हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैथनी आइडल दोस्तों यशराज फिल्म यानी कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर मनीष शर्मा की फिल्म टाइगर थ्री स्टारिंग द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान चुम्बन देवता इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ ये फिल्म मैंने फाइनली नाइन ए एम का शो देख लिया बैंड्रास पीवियर और बोलते ना इस यशराज वायर एफ स्पाई यूनिवर्स इट्स नॉट स्पाई यूनिवर्स इट्स बाई यूनिवर्स नाव फिल्म देखी मैंने फर्स्ट हाफ का रिव्यू तो आपको दिया पूरी फिल्म का रिव्यू देता हूँ आपको द तो फिल्म इज बियॉन्ड टेरिबल अभी आप बोलोगे ये बुरा ही करेगा आदमी आप जाकर देखो ये फिल्म पार्ट वन पार्ट टू जो जो कचरा था वही कचरा इसमें डाल दिया जाए अरे द ब्लडी स्टोरी किधर है स्क्रीन कि पे मतलब इनको क्या लगता है कि अभी कुछ भी बनाएंगे दिवाली है पब्लिक घुस जाएगी देखने को अरे दिवाली दो दिन के उसके बाद क्या करोगे टग्स ऑफ हिंदुस्तान ओपनिंग लगी बाद में फुश हो गई तो ये पब्लिक को एक दो बार उल्लू बन गई पब्लिक टाइगर वन टाइगर टू ये बार उल्लू नहीं बनी पब्लिक दिस फिल्म मतलब मतलब क्या कचरा पिक्चर बनाया यार फर्स्ट ऑफ तो इतना फालतू है इतना बोरिंग है कि आदमी को उठ के आने का मन करेगा लेकिन मैंने बात चलो ऋतिक रोशन शाहरुख खान जूनियर एंटीयर की कैमियो देखते लेकिन शाहरुख खान केमय्यू था लेकिन ऋतिक और जूनियर एंडियन केमय्यू नहीं था मैंने तो देखा नहीं कि फिल्म जब खत्म हुई उसका नाम आया डायरेक्टर मनीष शर्मा मैं तो उठ के चला गया उसके बाद पता नहीं दिखाया गया नहीं पता नहीं लेकिन तो मैंने तो देखा नहीं वहाँ तक तो मतलब ये पिक्चर की ये लोग स्पाई यूनिवर्स बना रहे जो डायलॉग है जब तक टाइगर मरा नहीं ऐसा कुछ डायलॉग है अरे टाइगर को फर्स्ट पार्ट में मार देना चाहिए था जो टाइगर का कैरेक्टर है ना वो टाइगर जिंदा है उसी फिल्म में मार देना चाहिए था ताकि दूसरे दो पार्ट ना बनते और लोगों को पार्ट झेल लेना पड़ते इतनी घटिया पिक्चर बनाई ये वाई एफ ने यशराज फिल्म मगर इनको सिर्फ पैसा कमाना है आदित्य चोपड़ा को ऑडियंस गई भाड़ में होने दो बोर ऑडियंस को ना स्टोरी का पता ना ऑडियक तो पे का ठिकाना नहीं कुछ नहीं खाली ऐसी बात करें पीपल आर नॉट बॉर्डर लोग पाकिस्तान की बात करें इंडिया की बात करें इजिप्ट की बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें दे आर नॉट बॉर्डर इतनी पब्लिक बोर होती थे थे तो, movies, think, beyond... दे दे है थिएटर के अंदर तो द मूवी इज़ आई थिंक बियंड टेरेबल सर फट गया सर दर्द दे दिया यार आई थिंक दश रा फिल्म शू स्टॉप दिस पाई यूनिवर्स इसमें बिल्कुल दम नहीं होता बंद करना चाहिए और टाइगर थ्री डोंट वॉच इविन फॉर फ्री मैं तो यही बोलूँगा और परफॉर्मेंस की बात करें सलमान खान का परफॉर्मेंस एकदम ड्राई है दोस्तों वो दम ही नहीं जो कैरेक्टर में जो दम होना चाहिए वो दम दिखता ही नहीं कैरेक्टर में और सब पूरी फिल्म में सलमान खान के ऊपर कम से कम दस हज़ार गोलियाँ है पूरी फिल्म में लेकिन एक गोली नहीं लगती सलमान खान को दस हज़ार गोलियाँ चलाई रही है शार्ट से एंड तक एक गोली सलमान खान को नहीं लगती और सलमान खान एक गोली हाँ सब सब वो लग जाती है लेकिन एक गोली लगती नहीं मतलब दैट इज़ सर क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रही है वट इज पीपल आर ट्राइंग टू फूल द ऑडियंस एकदम ड्राई लग रहे सलमान खान कुछ रोमैच में भी दम नहीं एक्शन एक दो जगह ठीक किया एक्शन लेकिन एक्शन के दलबूते थोड़ी फिल्म चलेगी तो फिर टाइगर शॉफ की फिल्म शोले बन जाती क्योंकि जो टाइगर शॉफ जो एक्शन करता है वो एक्शन सलमान खान इस जरहे में तो कर ही नहीं पाएंगे तो वो वो एक्शन पर तो नहीं जो सलमान खान ने एक्शन किया उस पर तो फिल्म नहीं चल सकती है और उतना कोई ग्रेट एक्शन भी नहीं है तो सलमान खान इज़ जस्ट अबाउट एवरेज कैटरी कैफ अच्छी खूबसूरत लग रही है लेकिन डायलॉग ऐसा बोल रही है जैसे कि न्यूज़ पढ़ रही हो तुम्हें जावेद के पास आना होगा इस तरह का वो डायलॉग बोलती है टाइगर की जान इस ब्रीफ केस में है तो वो इस तरह से डायलॉग बोलती है जैसे कि न्यूज़ रीड कर रही है वो आते समाचार पढ़ते ना वैसा लग रहा है कैटरीना कैफ के डायलॉग और उन्होंने जो एक्शन किया है एक दो जगह पर अच्छे की एक्शन मानता हो लेकिन वो टावल का फाइट बताया वो तो मुझे शर्मिंदा शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं व्हाट वैट ऑल नॉन और एक बात तो मैंने देख ली कि सलमान खान और कैटरीना कैफ इवन आशमी ये तीनों उनकी उनकी मर्जी जहाँ घुसना है वो लोग घुस जाते नो सी सी टी कैमरा को सिक्योरिटी ने किधर भी घुस जाते हैं और इतना छोटा वो बैटरी आता ना बैटरी एवरीडी का बैटरी उससे सलमान खान बहुत बड़ी दीवार फोड़ के बाहर निकल जाते क्या बोले दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आता है बी मेरे तो अल्फाज खत्म हो गए तो सलमान खान एंड कैटरीना कैप्टिना जस्ट बिलो एवरेज इमरान हाशमी द पर्सन हाउ कैन ही डस किलिंग ये अभी तक समझ में नहीं आया मुझे तो वो क्या बनाया उनका जो कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है उन लोगों को लगता है कि इमरान हाशमी नया विलन ले कर आए नॉट वर्क रही नॉट वर्क, वर्क। इमरान हाशमी भी ठीक ठाक लगे उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लल्लू पंजू लोग हैं जब मेन हीरो में दम ने तो फिर लल्लू पंजी लोग क्या करेंगे केवियो में शाहरुख खान ने जो एंट्री मारी है आपको मिथुन चौधरी फिल्म में याद आ जाएगी लोग बोले मिथुन चौधरी फिल्म में यहाँ से जम करते हैं वहाँ से जम करते हैं ये लोग क्या करते हैं और किसी बड़े से कुछ बॉक्स जिसमें ऊपर से शाहरुख खान आते हैं जम करते सरमान गो लटका के ऊपर लेके जाते हैं फिर वहाँ से शोले के बाइक में जो दोनों जाते हैं वो बाइक ब्लास्ट हो जाती है फिर किधर लटक जाते हैं फिर वो उधर से उतर के हेलीकॉप्टर पर जाते हैं हेलीकॉप्टर से उतर के पैराशूट पर जाते हैं वाह भाई वाह हाथ जोड़ लिया सलमान खान और शाहरुख खान को इफ यू आर मिथुन चक्रवर्ती इज डूइंग लाइक दिस इन द नाइनटीज फिर वॉट यू गाइज आर डूइंग और उनके फैन जो मिथुन चक्रवर्ती को वो गालियाँ देते थे अरे ये लोग क्या कर रहे हैं इधर से लटक रहे उधर से ल... एक एक वायर लेके लटक रहे हो गॉड अब क्या <laughs> सर दर्द ये <है> तो पूरा <laughs> मतलब सीगरेट की फिल्म लग रही है टाइगर थ्री इट्स अ सीग्रेट फिल्म और बाद में वो क्लाइमेक्स में वो पाकिस्तानी को बचाते हाउ कैन द ऑडियंस एक्सेप्ट दिस गाइस सलमान खान पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर जो भी हो उनको बचाता है हाउ द ऑडियंस विल एक्सेप्ट इंडियन ऑडियंस एक सीन पे जब इमरान अशमी सलमान खान को बा, कुर्ची बांधा हुआ है वहाँ डायलॉग मारते कि मैं हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा ये मेरा वादा है वो सलमान खान वहाँ चुप बैठे तो ऑडियंस में से कोई चिल्ला इधर सनी देवल होना चाहिए सनी देवल तो कुर्सी तोड़ के इमरान नाशमी को उठा के पटक डालता था वहाँ हीरोइज़्मनी चाहिए उधर सलमान खान डायलॉग ही नहीं उधर ही पिक्चर खत्म हो गई तो हिंदुस्तान का इंसल्ट कर रहे और अपना हीरो चुप बैठा है तो फिर सनी देवल गदर में जो उठा उठा के पटक दैट इज़ कॉल हीरोइज्म गाइज ये लोग पाकिस्तान में जाके मार खा के आते सिर्फ सनी देवल एक ही हीरो जो वहाँ जाके सबकी दुलाई करके आते इसीलिए गदर टू इज अ ब्लॉक बस्टर so, तो इमरान हाशमी सलमान खान कहते हैं जैस ओके okay, ओके okay, कुछ दम ने एक्शन में भी दम ने शाहरुख खान केम्यो अच्छा था लेकिन वो जो लटक पटक के जाता है ना उस खराब कर दिया पूरा एक प्रॉपर कैम्यू बताना था लेकिन हेलीकॉप्टर से लटक रहा है ऐसा लगा पोकोटी वी समझ समझ रहे बच्चे बच्चे लोग देख रहे हैं ऐसा लग रहा है हम लोगों को बच्चे समझ रहे लोग तो ओवरऑल टाइगर थ्री द स्पाई यूनिवर्स इज एक्चुअली अ बाय बाय यूनिवर्स एंड टाइगर थ्री डोंट वॉच इट इवेंट फॉर फ्री दिस मूवी इज पथेटिक दिवाली के बाद अगर ये फिल्म चलेगी ही नहीं उनकी दो घटिया फिल्म चल गई थी कोई फिल्म नहीं थी अगर आज इसके साथ और कोई फिल्म आती तो पहले दिन टाइगर थ्री मुँह के बल गिरती लेकिन अभी कोई फिल्म नहीं है तो दो दो दिवाली के दो दिन थोड़ा कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखो असली मजा आएगा ये फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तानी साबित होने वाली है ओपनिंग के बाद कोई तो द फाइनल वर्डिंग ऑफ टाइगर थ्री ए स्प्रिटेड वैन आई सॉ द ट्रेलर जब ट्रेलर देखा तभी मैं मान ये फिल्म घटिया ही रहेगी और एक घटिया ही फिल्म है मतलब टोटल बोरिंग टोटल बेसलेस फिल्म नो स्क्रिप्ट नो स्क्रीन पे इट्स लाइक वॉचिंग अोगो टी वी टाइगर थ्री फॉर मी इट्स अ टोटल डिजास्टर सो यार सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल गुड बाय